तो आज जिस मसाले के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो साइज में तो बहुत ही छोटा है लेकिन उसका नाम है लौंग। जी हाँ, वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। जल्दी से आप लोग जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो देखिए, लौंग हमारी जो भारतीय संस्कृति है या फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 2000 सालों से भी पहले से यूज़ होता हुआ आ रहा है। एंड लौंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक जो फ्लेवर होता है उसकी वजह से नहीं लेकिन इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी सारी होती हैं, जिसकी वजह से इसका उपयोग काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में और साथ ही साथ आयुर्वेदा में भी होता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को लौंग के बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट बताऊंगा एंड आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से लौंग को आप लोग अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं एंड काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़बरदस्त जो असर होता है लौंग का हमारी बॉडी के ऊपर वो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। जी हाँ, जब आप लोग लौंग का कंजम्पशन करते हो या क्लोव खाते हो सो उस टाइम पे आपकी बॉडी में WBCs का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जो कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं एंड अल्टीमेटली आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि लौंग के अंदर जो विटामिन सी होता है वो इस चीज़ को करने में मदद करता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करना। अब देखिए, जितने भी मसाले हैं ना हम लोग के इंडिया में, वो हर एक मसाला हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, किसी प्रकार से डाइजेशन को ख़राब नहीं करता है। अगर इसकी क्वांटिटी आप लोग बताओ कि कितने अमाउंट में खाना है सो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। सो जैसे मैं आप लोग बता रहे थे कि डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, एक स्टडी हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी कॉलेज ऑफ मेडिसिन में एंड इस स्टडी के अंतर्गत ये चीज़ पाई गई थी कि जो क्लोव एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो स्टमक अल्सर्स को ठीक करने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। साथ ही साथ ये जो क्लोव एक्सट्रैक्ट्स होते हैं ये आपकी कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप लोग लौंग का कंजम्पशन शुरू करते हो या लौंग को खाते हो सो ये आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके फूड का डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से होने लगता है। सो इसीलिए लौंग को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अगला जो इसका फ़ायदा है वो है आपका टूथेक यानी कि दांतों के दर्द में। अब दांतों के दर्द में लौंग बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं आप लोग बताऊं। कभी भी ऐसा हो तो आप लोग लौंग का जो तेल होता है उसको घर में ख़रीद के रख लीजिए। अगर आपको रेगुलरली या कभी कदर अचानक से दांतों का दर्द शुरू हो जाता है एंड उस टाइम पर आप लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हो या कुछ देर लगेगी डॉक्टर के पास जाने में, तो उस टाइम पर वो दांतों के दर्द कंट्रोल करने के लिए लौंग का तेल बहुत ही ज़बरदस्त है। बस आपको करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा कॉटन बॉल लेना है, उसको लौंग के तेल से भिगो के जहाँ पर दर्द है आपको वहाँ पर रख लेना है एंड आपको जो दांतों का दर्द है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा एंड आप जब डॉक्टर के पास नहीं पहुँच सकते हो तो उस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसीलिए दांतों के दर्द में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप लोग घर में लौंग का तेल छोटी शीशी आती है ज़रूर रखें। अगला जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है हेल्दी लिवर के लिए। सो एक स्टडी हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड साइंसेज में, जिसमें ये चीज़ पता की गई थी कि जो क्लोव ऑयल होता है उसके अंदर यूजिनोल एक कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से आपके लिवर का फंक्शन और फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक कम होती है। इसी स्टडी में ये भी चीज़ पता की गई थी कि जो यूजिनोल है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है एंड साथ ही साथ ये आपकी पेन किलिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। सो अगर आपके बदन में दर्द हो रहा हो या आपके सर में दर्द हो रहा हो सो आप लोग कुछ नहीं करना है, दो तीन लौंग को तोड़ के नारियल के तेल में डालना है। कुछ दिन के लिए उसको पहले से ऐसे नारियल तेल बना के रखिए एंड जब भी आपका सर दर्द हो या शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा हो सो आप लोग उस तेल को वहाँ पर मालिश कर सकते हो एंड उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगला जो इसका बेनिफिट है वो है आपकी ब्लड शुगर लेवल्स पे। तो जिस प्रकार से दालचीनी हेल्प करता है आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, उसी प्रकार से जो लौंग है वो भी हेल्प करता है आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। जब भी आप लोग लौंग खाते हो तो उस टाइम पे जब लौंग आप लोग खाते हो तो जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो एक इंसुलिन की तरह ये एक्ट करता है एंड आपकी बॉडी में आपके ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज या शुगर लेवल है उसको एक्सट्रैक्ट करके सेल्स तक पहुंचाता है एंड आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इसी चीज़ को लेके 2006 में एक स्टडी हुई थी जिसमें कुछ डायबिटीज पेशेंट को लिया गया था एंड उनको 30 दिन तक जो लौंग है, क्लोव है, उसकी एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ डोजेस दी गई थी एंड 30 दिन बाद ये चीज़ देखी गई थी कि उनके अंदर जो डायबिटीज़ का रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। एक और रिसर्च हुई थी इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस कराची में एंड इस स्टडी में ये चीज़ पाया गया था कि जो लौंग है वो ना ही सिर्फ आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है बट वो जो सेल्स होते हैं जिनकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उनके भी फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो आप लोगों ने देखा कि एक छोटा सा लौंग आपकी
ओवरऑल बॉडी की हेल्थ में कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसीलिए आपको लौंग, इलायची एंड जितने प्रकार के हम लोग मसाले हैं उनका कंजम्पशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है एंड ये हमारी बॉडी को हर एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही पहुँचाती हैं, फ़ायदा ही पहुँचाती है। तो इसीलिए आप लोग को इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए, खाने से पहले, खाने के बाद, या एज अ माउथ फ्रेशनर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो एंड आपकी बॉडी में बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो उसमें भी एक अफेदा हेल्प करेगा। सो आज का वीडियो बस इतना ही था। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना यार, शेयर करना एंड प्लीज़ ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसको आप लोग सफल बनाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।